तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बताने वाले हैं सी बी जेड के इंजन के बारे में। सी बी जेड ओल्ड मॉडल का इंजन है ये गाइस। बाकी हमारी आ गई है चाय, बाकी चाय पीते हैं। बाकी जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया जिनने भी, वो सब्सक्राइब कर लें जो नए चैनल पर। बाकी लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसी लगी हमारी। बाकी लास्ट तक वीडियो दिखाते रहेंगे हम आपको। यह है पूरा इसका इंजन। इसमें जो हमने खोला था तो इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल सीज पड़ा था इंजन। बाकी हम कर रहे हैं इसे फिट। बाकी जो क्रेंक वगैरह है हमारी वो हो गई है। बाकी हमने जो क्रेंक थी इसकी रिपेयर करा दी है पूरी तरह। बिगन इसका नया है, देखिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिगन है, शैडो में प्ले भी नहीं है, नो ऊपर नीचे की प्ले बिल्कुल नहीं हुए हैं अभी। बाकी आप कभी भी गाड़ी खुलवाती है शैडो में प्ले चेक करना है। हल्की प्ले है तो चल जाती है, ऊपर नीचे की और शैडो में ज़्यादा प्ले है तो नहीं चल पाती है। उससे कि आपको क्रेंक कराने में फ़ायदा है, उससे इंजन की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको ज़्यादातर दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा फिर। बाकी जो इसका जो पिस्टन था वो था 50 नंबर का, तो हमने इसमें भी ब्लॉक किट डाली है। बाकी इसमें हम आपको दिखा रहे हैं ये ब्लॉक किट है इसकी पुरानी, 50 नंबर की ब्लॉक किट है ये। 50 का पिस्टन बोर हो चुका था इसमें, मतलब 75 का डालने को था वगैरह हमने डाला नहीं, हम डालते नहीं हैं 75 नंबर का। बाकी 75 और 50 का, 50 तक का डालते हैं हम, 75 और 100 का डालते हैं ठीक है। बाकी हमारी ब्लॉक किट ये है, हमने कम्प्लीट कर चुकी है। बाकी इसे कर देते हैं फिटिट। देखिए ये बिल्कुल नया पिस्टन है, नई ब्लॉक किट है। कभी भी आपका पिस्टन 50 का हो, 50 तक हो, 50 तक डलवा सकते हैं आप, 50 का बोर करा सकते हैं। बाकी 75 को 100 को नहीं करा सकते। बाकी जो ऑयल लेवल है, ऑयल लेवल कम होने के कारण आप अपनी बाइक हो चाहे स्कूटी हो उसकी सर्विस टाइम टू टाइम 1800 या 2000 रुपये कराएं, उससे क्या इंजन की लाइफ बड़ी रहती है। बाकी जो बैरिंग वरिंग है वो भी सीज हो गई थी इसकी पूरी तरह। बाइक करते हैं फिर दिखाते हैं गाइज आगे आपको। हमारे ये किक शाफ्ट और ऑयल पम्प करा दी, बाकी गियर शाफ्ट वगैरह हमने क्लिक कर दिया है फिटेड। बाकी लगाते हैं इसका कवर और दिखाते हैं आपको। बाकी ये कभी भी आपकी गाड़ी का स्प्रिंग टूट जाता है तो ये स्प्रिंग चेंज होता है, कभी भी किक नीचे रह जाती है। आपने ध्यान दिया होगा ज़्यादातर गाड़ियों को किक स्प्रिंग बहुत ज़्यादा टूटता है। ये देखिए किक स्प्रिंग है पूरा, है ना पूरा, इसमें ये फिट होता है यहाँ से, तभी इसमें तड़क आती है जो चलती है शावर किक मारते हैं अपन। ये ऑयल पम्प जाली है, कभी भी आपकी गाड़ी में ऑयल पम्प जाली नहीं है। खोल रहे हैं मकैनिक कोई भी हैं आप, जैसे कस्टमर हैं तो कोई मिस्त्री भी खोल रहा है तो आपको बता देना है कि ऑयल पम्प जाली है, साफ़ कर दो क्लीन, मतलब कचरा होता है इसमें तो ऑयल पम्प काम करना बंद कर जाता है। बाकी ये ऑयल पम्प हो गया, पूरी करारी हो गई। बाकी कर दी क्लच पैड, लगाते हैं कवर, दिखाते हैं आपको आगे तक की वीडियो। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें ठीक गाइस, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। सो गाइस बाकी हमने लगा दिया क्लच कवर भी, बाकी करते हैं सोइल सील वगैरह सब नहीं डालते हैं। ये देखिए गाइस उधर की स्पोकेट सील वगैरह मैंने गियर शाफ्ट वगैरह की सील लगा दी है। बाकी ये किक की सील है, कभी भी आपका ऑयल लीकेज होता हो इस जगह से या किक की शापट से या गियर की शापट से तो आपको क्या करना है, सील डलवा लेनी है पूरी। बाकी ऑयल की जो दिक्कत होती है वो बंद हो जाती है, जैसे पैकिंग डलते हैं क्लच कवर में फुल किट आती है इसकी। भाई कभी भी आपकी गाड़ी इधर उधर से लीकेज करती है तो आपको क्या करना है, फुल किट डला लेनी है, उससे क्या कोई दिक्कत नहीं आती। जो ऑयल होता है वो इंजन में ही रहता है, बाहर नहीं आता है ठीक है। सो गाइस बाकी दिखाते हैं इसका ब्लॉक फिटिंग के दौरान ठीक है। सो गाइस बाकी हमने कर ली कंप्लीट ब्लॉक किट। बाकी इसमें जो है पिस्टन स्टैंडर्ड का है, स्टैंडर्ड के बाद कभी भी ये ऑयल उठाएगी या पिस्टन मतलब धुआं मारने लगेगी तो इसमें डलेगा 25 नंबर का पिस्टन ठीक है गाइस, 2550 उसके बाद फिर ब्लॉक किट डलेगी अगर कोई दिक्कत आएगी ठीक है। बाकी हम करते हैं बेटी से दिखाते हैं आपको, ये देखिए बिगन बिल्कुल नया है इसका। बाकी इसमें टाइमिंग चेन वगैरह सब नहीं डाल रहे, देखिए बिल्कुल क्लीन धुलाई वॉशिंग वगैरह हम पेट्रोल से करते हैं इसकी, पेट्रोल से और डीजल से ठीक है। कभी अगर डीजल नहीं है तो पेट्रोल से भी कर देते हैं, और डीजल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर गाइस। बस करते हैं फिट और दिखाते हैं आपको पिस्टन कैसे फिटिंग कर दिया है, हेड फिटेड इसका। बाकी हम दिखाते हैं कैबिन के बारे में, वो टॉप पे हमारा टाइम रही क्रॉस वाला क्रॉस। बाकी मैगनेट लगा के अभी चेक कराते हैं आपको हम क्या पोजिशन आती है। बाकी गेम शावर ये रॉकर हो गए, ओके गेम शावर हो गई बीच में, बाकी दो रॉकर आते हैं। भाई करते हैं फिट, फिट कर दिया हमने मीटर फिटिंग देखिए। बाकी क्रॉस बाई क्रॉस रहना चाहिए, बाकी जो ये कट है ये यहाँ कट से मतलब वो रहना चाहिए। भाई करते हैं फिटेट, बाकी दिखाते हैं आगे तक की वीडियो। मैंने कर दिया है फिटेट पूरा, बाकी मैग्नेट कवर जो है लगा दिए, बाकी इसकी मैग्नेट कॉइल के तारे होती हैं, बाकी इसका कर दिया है फिटेट पूरा। बाकी टैपेट जो हैं वो सेट कर दिए हैं प्रॉपर तरीके से, बाकी जो ऑयल की सप्लाई होती है वो इसमें आती है, इससे जो कवर है कवर में आती है। तो दिखाता हूँ आपको, यही यहाँ से सप्लाई होता है
भाई करते हैं फिटेड इसे लगाते हैं कवर की रबड़ लगा के हेड की रबड़। कभी भी आप इंजन करते हो तो हेड की रबड़ जरूर लगवाएं, उससे अगर लीकेज नहीं होती है। बाकी ये होता है। हेलो गाइस, फाइनली हमने इंजन चढ़ा चुके हैं इसे, भाई कर दी हमने स्टार्ट। बाकी इसकी जो वॉशिंग वॉशिंग है वो भी कराते हैं। बाकी हमने गाड़ी कर दी कंप्लीट। अब इसकी साउंड सुनाता हूँ मैं आपको, ये साउंड। बाकी हाफ सेल्फ स्टार्ट है गाड़ी। अरे गाइस साउंड सुन सकते हैं, ब्रेक प्लग वगैरह सब उसने ब्लॉक के प्लग सब उसने डाला है हमने इसमें ब्रांडेड। भाई चैनल सब्सक्राइब जिन्हें भी नहीं करा चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें वीडियो कैसी लगी हमारी। बाकी फॉलो करें और लाइक करें कमेंट करें। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।